स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नाउ इंग्लिश में वॉइस जो है टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज एक्टिव एंड सेकेंड इज पैसिव एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होती है दोनों का जो सेंटेंस uh, का मीनिंग है वो सेम होता है बट इतनी सा ही डिफरेंस होता है कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाता है या सेंटेंस को फॉर्म करने का जो रूल है वो चेंज हो जाता है तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस इन टू पैसि वॉयस फॉर द प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे एंड इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिव वॉइस होती क्या है और फिर पैसिव वॉइस क्या होती है तो एक्टिव वॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर रूल होता है और वो ये रूल हो पहले तो ये बता देती हूँ कि हर टेंस के लिए या आ, हर एक अलग सब्जेक्ट के लिए जो रूल्स हैं वो चेंज होते हैं अब अगर हम आज बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए एक अलग सा रूल होगा लेकिन जब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की या पास्ट टेंस की या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो तब रूल्स जो है वो चेंज होते रहेंगे तो जो रूल है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या हमारा सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है और क्या वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में है तो वो रूल है कि हमारा कभी भी अगर हम सेंटेंस कंसिडर करते हैं तो वो स्टार्ट होता है हमेशा सब्जेक्ट से अनलेस वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना हो तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म और वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म है या तो एस हो सकता है या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट यह है आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा सेंटेंस जो है वो एक्टिव फॉर्म में है एक्टिव वॉइस है that too in simple present tense. लेकिन अब हमें कन्वर्ट करनी है यही एक्टिव इनटू पैसिव तो अगर हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉइस के लिए भी एक पर्टिकुलर रूल है और वो रूल होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही तो वो रूल ये होगा कि अभी भी यहाँ पर सब्जेक्ट ही हम कंसिडर करेंगे प्लस इज एम और आर और इस एम और आर हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये बताते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को तो इस एम और वर्ब था फर्स्ट फॉर्म में में पर वर्ब कन्वर्ट हो जाता है थर्ड फॉर्म चाहे वो किसी भी टेंस का हम कन्वर्जन क्यों ना कर रहे हो एक्टिव वो पैसिव हमेशा वर्ब जो है यहाँ पर वो थर्ड फॉर्म में ही रहेगा तो प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन ऑब्जेक्ट ये बाय जो है ये ऑप्शनल है प्लस ऑब्जेक्ट तो आई थिंक इसको हम ज्यादा अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो आई कैन से प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग ये एक एग्जाम्पल है प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग जहां पर प्रिया एक सब्जेक्ट है सिंग्स सिंग Sing जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस एस राइट और अंग जो है वो ऑब्जेक्ट है अब हमेशा याद रखना कि जब भी हमने कन्वर्ट करना होता है एक्टिव से पैसिव तो या पैसिव से भी एक्टिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो नेक्स्ट कन्वर्शन में इंटरचेंज हो जाते हैं कहने का मतलब ये है कि अगर एक्टिव वॉइस में प्रिया सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो प्रिया ऑब्जेक्ट बन जाएगी और यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर अ सॉन्ग तो अब अ सॉन्ग से हम स्टार्ट करेंगे पैसे वॉइस में आई विल से सॉन्ग इज वर्ब इन थर्ड फॉर्म सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। सो आई विल से अ सॉन्ग इज संग बाय प्रिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिया इधर सब्जेक्ट थी लेकिन पैसे ऑब्जेक्ट बन गई है और जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में अब वो बन चुका है सब्जेक्ट इन पैसिव तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस तो आइए अब हम कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं ये था एक बेसिक सा एग्जाम्पल अब हमेशा याद रखना कि एक्टिव वॉयस में कभी भी जब सेंटेंस होगा तो वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा जब भी सेंटेंस एक्टिव वॉयस में होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर मतलब कि जो भी हमारा सेंटेंस जैसे भी फॉर्म हो रहा है वो हमेशा एक सिंपल फॉर्म में होगा तो वो एक सिंपल फॉर्म में होगा सिंपल फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर होगा लेकिन पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को कॉन्ट्रोडिक्ट करता है उसका ऑपोजिट है तो जब भी हमारा सेंटेंस वॉइस में होगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब एक्टिव वॉइस में है तो वो एक सिंपल फॉर्म लेगा लेकिन जब भी वो पैसिव फॉर्म में होगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो अभी हमने डिस्कस किया है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्या रूल्स हैं रिमेंबर कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी के भी साथ तब भी ये एक्टिव और पैसिव वॉइस अच्छा रोल प्ले करता है तो ज़रूर आपको हर रूल पता होना चाहिए कि कैसे आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और रूल्स को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है तो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस से और कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कोई भी सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में गिवन है तो उसे हम पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं तो सपोज uh, अगर एक एग्जाम्पल है माई मदर कुछ डिलिशियस फूड अगर ये एक, मैं सा करती हूँ वो इसमें कोई भी सेंटेंस होगा तो वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म लेगा इससे सिंपल कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता हम पहले देखेंगे कि माई मदर एक सब्जेक्ट है क्योंकि हमारा सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा कुक्स कुक्स है एक सिंपल फॉर्म ऑफ़ वर्क मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ़ वर्क और जो डिलिशियस फूड है वो है एक ऑब्जेक्ट अब हमने क्या करना है कि सेंटेंस को कर, अब हमें पता लग गया कि ये सेंटेंस जो है अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो एक प्रेजेंट टेंस है और क्योंकि यहाँ पर आई एन जी नहीं आ रहा वर्स कहीं पे भी नहीं आ रहा तो डेफिनेट सी बात है कि एक प्रेजेंट टेंस है तो सबसे पहले तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि मेरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद आप ये देखेंगे कि क्या ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है रिमेंबर के अगर सेंटेंस पैसिव वॉयस में होगा तो वहाँ पर एक बाय वर्ड जो है वो ज़रूर लगा होगा और बाय का मतलब होता है कि वो सेंटेंस पैसिव वॉयस में है यहाँ पर कहीं पे भी बाय नहीं लिखा हुआ मतलब एक्टिव सेंटेंस है एंड ऑलवेज रिमेंबर के पैसिव वॉयस कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में नहीं होगी अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो डेफिनेट सी बात है कि वो एक्टिव वॉइस ही रहेगी अब इसको हमने कन्वर्ट करना है पैसे में लेकिन यहाँ पर याद रखना कि आपका टेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए राइट right? तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगी अब पैसे वॉइस में तो पैसे वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए फिर से मेरे को रूल पता होना चाहिए पैसे वॉइस का क्या है अब पैसे वॉइस का जो रूल है सिंपल टेंस का वो ये है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट लेकिन मैंने आपको बताया कि जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है अब वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा तो डिलिशियस फूड एक ऑब्जेक्ट है मैं स्टार्ट करूंगी डिलिशियस फूड नेक्स्ट मैंने आपको रूल में बताया था कि इज एम और आर लगता है लेकिन यहां पर फूड जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हम हमेशा इज यूज करेंगे अगर यहाँ पर कोई कुछ प्लूरल होता तो हम आर यूज करते और एम यूज होता है फॉर माई सेल्फ राइट सो डिलिशियस फूड एक सिंगुलर फूड है तो मैं बोलूंगी इज़। उसके बाद कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, तो आई विल से कुक्ड। किसने बनाया है मेरी मामा ने बनाया है तो आई विल से बाय माय मदर सो बाय माय मदर मैंने आपको बताया है कि पैसिव फॉर्म को जस्टिफाई करने के लिए बाय होता है डिलिशियस फूड यहाँ पर बन जाएगा एक सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में से हमने चूज किया है इसको कुक्ड बन गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क और बाय माय मदर जो है ये अब बन गया ऑब्जेक्ट तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में विदाउट चेंजिंग द मीनिंग विदाउट चेंजिंग द मीनिंग मतलब कि दोनों के मतलब जो है वो सेम ही हैं अगर बोला हुआ है माय मदर कुक्स डिलिशियस फूड तो कहने का मतलब है कि मेरी मम्मा जो है वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं और इधर डिलिशियस फूड इज़ कुक बाय माय मदर इसका भी मीनिंग सेम है मैंने आपको बताया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है कि उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इधर क्या चेंज हो गया सब्जेक्ट प्लस इस प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो यहाँ पर चेंज आ रहा है लेकिन जो मीनिंग है वो मीनिंग सेम रहेगा मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हो एक वॉइस को दूसरी वॉइस में ये याद रखना है और ये भी याद रखना है कि अगर इसको हम टेंस कन्वर्ट करते हैं तो इधर पता है हमें कि इस जो है वो हमेशा यूज होगा इस प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट टेंस तो इस प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यहाँ पर यूज़ होगा अगर हम प्रेजेंट टेंस को रखना चाहते हैं और प्रेजेंट टेंस में ही हम सेंटेंस चाहते हैं तो, तो ये जो हमने आज डिस्कस किया है वीडियो में कन्वर्टिंग ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इन सिंपल टेंस इसकी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव पैसे बॉइस के कोई भी आप टॉपिक सिलेक्ट करो तो वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए और इवन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए इन टाइप ऑफ़ क्वेश्चन के और अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप जल्दी से रजिस्टर कीजिए एट अभ्यास ऑनलाइन डॉट इन क्योंकि रजिस्टर करने के बाद आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे और वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट यही है कि आप सैम्पल पेपर्स अटैम्प्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी टॉपिक यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस के भी सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ सके आपको और अच्छे से समझ आ सके कि इस टॉपिक में हमने कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं क्या रूल्स हैं किस पैटर्न को फॉलो करते हैं हर क्वेश्चन एंड uh, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एंड आपके एग्जामिनेशन में भी यू कैन स्को गुड और अपनी ही इंग्लिश की एफिशंसी आप इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आगे जाकर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो जरूर रजिस्टर कीजिए एट अभ्यास ऑनलाइन डॉट इन एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग